Social contract of Hobbes. In this session, we are going to discuss the topic of social contract of Hobbes and definitely with reference to the other perspectives. So, in political philosophy, a social contract is an actual or hypothetical compact or agreement between the ruled or between the ruled and their rulers. डिफाइनिंग ईच पार्टीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देखना है या कैसे समझना है तो वी कैन से दैट इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड देन इट कैन भी बिटवीन द पीपल एंड देयर रूलर यानी दो डायमेंशन हो सकती हैं लोगों का आपस में माहा या लोगों का अपने हुक्मरान के साथ महदा So individuals were born into an anarchic state of nature in uh, 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 given the philosophy given by various philosophers as well as definitely by hobbes and they can be happy with their circumstances or might be unhappy with the situation and that is depending on the version of the theory Ab kehna ke khush hai ye ये पॉलिटिकल फिलासफर जिसको अपने अपने अकॉर्डिंग जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं सो देन दे कैन बिल्ड अ सोसाइटी एंड अ गवर्नमेंट बाय द यूज़ ऑफ नेचुरल रीजंस एंड अ सोशल कॉम्पैक्ट अब जब लोगों ने इकट्ठे रहना है किसी जगह पर वो चाहे खुश हैं या ना खुश हैं अल्टीमेटली क्या होगा कि एक माशरा डिवेलप होगा फिर एक हकूमत भी आएगी और फिर उन्हें आपस में एक स्टैंडर्ड एक दायरा दायराकान मुतन करना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी अपनी हकूक के लिए भी तो हम ये कह सकते हैं दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी इट इज़ एज ओल्ड एज सेल्फ एंड इज द वे दैट परसन मॉरल एंड और पोलिटिकल ऑब्लिगेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन और एग्रीमेंट अमंग टू फॉर्म द सोसाइटी इन विच दे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से भी इसका आगाज हुआ फिलोसॉफिकली इसकी जो डिबेट है दैट इज लिंक्ड विद द इनिशियल फेजिज ऑफ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज द गवमेंट इट सेल्थ सो हॉब्स पोलिटिकल फिलासफी कैन बी ब्रोकन इंटू टू पार्ट्स नंबर वन साइकोलॉजिकल इगोइज हिज थेरी ऑफ ह्यूमन ड्राइव एंड हिज नोशन ऑफ सोशल कॉम्पैक्ट पॉब्स की फ़िलासफ़ी के अंदर सोशल कॉम्पैक्ट की इम्पॉटेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने अपनी बुक लेवन के अंदर भी जो बेसिक डिबेट uh, की है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसे उसकी ह्यूमन इंसानों की नेचर क्या है बुनियादी तौर पर उनके यहाँ मोरालिटी या पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप क्या है क्योंकि हर एक के नज़दीक जिस बात की अहमियत है वो उसके अपने मफादात हैं और जब हर कोई Uh, अपने ज़ाती मफाद की खातिर जद वजहद करेगा और इसी के अंदर इन्वॉल्व होगा तो उससे क्या होगा कि इंसानी माशरे के, के अंदर हर वक्त एक चौस एक तनाव की कैफियत रहेगी तो अगर इस सब के दरमियान इस सब को सेटल डाउन करना है तो उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉटेंट है दैट इज़ डेफिनेटली एंड अ कॉन्ट्रेक्ट देट इज़ मच मोर नीडिड और इसकी ज़रूरत क्या है कि अगर माशरे को एक सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि अफराद आपस में एक माहदे के साथ जो हैं वो ज़िंदगी गुजारें जहाँ उनकी हदूद का तयन हो यानी उनकी लिमिटेशन जो हैं वो क्लियरली मेन्श हों उनकी जिम्मेदारियाँ मेन्श हों तो ही वो सब मिलकर एक जिंदगी गुजार सकते हैं सो इट इज़ अ म्यूचुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सब्जेक्ट Stranded their rights and powers to one sovereign monarch, who is in return was bound to protect its masses from any external danger along with internal chaos. So, in other words, we can say that his social order, social contract was of each, all, and all with each. Hobbes' ki philosophy. Jo hai, वो ये है कि माहिदा जो है महिदा इमरानी जिसे कहा जाता है वो क्या है कि हर एक को हर एक के लिए उनकी आपस की लिमिटेशंस उनकी बाउंड्रीज डिटर्मेंट करनी है और बुनियादी नुक्ता क्या होगा कि हुक्मरान अपने लोगों के हक़ूक़ का तहफ़ करेगा और लोगों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि उन्होंने अपनी जो इख्तियार हैं जब सरेंडर किए हैं अपने रूलर के पास तो रूलर्स के दिए हुए ऑर्डर्स को उसके कवानीन को फॉलो करना है ताकि माशरे के अंदर एक नज़म व जब जो है वो कायम हो सके और किसी भी तरह के क्योस को अवॉइड किया जा सके